ट्रिक देख रहे हो, मैं काफी दूर हूँ, अब चल रहे हैं। लेकिन सही तरीके से देखो भाई, एक्सपीरियंस ज्यादा ना हो तो आराम से ही जाने का। कभी भी ट्रेक करने आते हो साइड में चलना। सभी लोग अभी को साथ में आए, ये भाई बहुत आगे जा रहा था। बहुत आगे। क्या आपको लग रहा होगा इजी है, बट इजी नहीं है। देख रहो कैसे होके जाना है, गुजर कैसे। एकदम सच में डर लग रहा है। हाँ भाई, ये कोई मजाक नहीं है भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें डर लग रहा है भाई, तुम अपनी बात कर रहे हो। डिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ा, और कमर का वेट इस पे डालना है, ये छूट नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं सामदन वैली। ये सामरत विलेज में हम है, सामरत गांव है, गांव का नाम सामरत। और यहाँ से हम जा रहे हैं सामदन वैली का ट्रेक करने के लिए। हम लोग टोटल 4 जन है, आपने ब्लॉग में देखा होगा, बहुत मस्ती हमने करा इससे पहले भी। अब जा रहे हैं पूरा ट्रेक करने के लिए, जो कि हमें ये पहाड़ों के अंदर जाना है, ये साइड में कहीं जाना है एक लोकेशन पे। तो चलते हैं सामदन वैली का ट्रेक करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं। और अगर मैं सामदन वैली के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, तो भाई पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, उसको खिसकने की वजह से उसके जो है नीचे जो है पूरा सामदन वैली बना है। जो 2 किलोमीटर का ट्रेक है वो पूरा उसकी वजह से बना है। तो वो वहाँ पर हम जा रहे हैं ट्रेक करने के लिए, जो कि 2 किलोमीटर का है, पूरा फुल एडवेंचर जैसा होने वाला है। और वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ऐसे बस बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम सारे के सारे हैं, फिर हम अब जा रहे हैं ट्रेक करने के लिए, ठीक है। जंगल में एंट्री करने जा रहे हैं भाई लोग। जंगल में फेस जो ऊपर से हमने दिखाया था व्यू, वो बराबर की जगह थी। अब हम आ चुके हैं जंगल में एंट्री कर रहे हैं। ये देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया। और यहाँ से ही एक्चुअल में हमारा ट्रेक जो है ना शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले जो था सब नॉर्मल था, क्योंकि ऊपर से प्लेन ही था। लेकिन अब जो है हम डाउन जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बताया था टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की वजह से नीचे जो पहाड़ के बीच में दरार आ गई, जिसको हम सामदन वैली बोलते हैं, तो वहाँ से जाने के लिए हमें नीचे ही जाना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम नीचे जा रहे हैं, जब हम रिटर्न आएंगे तो ऊपर हमें चढ़ाई करनी होगी। और अभी हमें नीचे ही जाना है, वहाँ भी जब हम जाएंगे तो वहाँ भी नीचे ही जाएंगे, ठीक है। सही है भाई, जंगल टाइप एरिया है, अभी दिख तो ऐसा ही रहा है। अब आगे जो यहाँ से वेलकम वाला पॉइंट होता है, वो वहाँ पर हम आगे सामदन वैली का प्रवेश द्वार फाइनली। ये देखो दिख रहा हो अगर आपको, तो ये अपना सामदन वैली का, और यहाँ पर लिखा है वार्निंग वगैरह सब दे के रखे हैं लोग, ठीक है, अगर एडवेंचर करने जाते हो। देखो वैली जो मैं बताया था कुछ इस तरीके से दिखती है ऊपर से, ऊपर का जो व्यू है ना कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये देखो ये है कुछ वैली, जो कि इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट के बीच में जो है पहाड़ के बीच में दरार हो गई है, और ये जो पतली पतली लाइनें हमें यही क्रॉस करना है पूरा, जो कि मानसून समय में आओगे तो पूरा भाई वो रहेगा। और अभी के समय में ये है पूरा एंट्री का, देखो ये है एंट्री गेट एंट्री करने के लिए। क्या लिखा है, सामदन वैली प्रवेश द्वार। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं सामदन वैली प्रवेश द्वार से, और ये आगे का कुछ व्यू है, अंदर जंगल की तरफ से ट्रेक करते हुए नीचे जाना है, ठीक है। तो नीचे भी चलते रहते हैं, और हमारे जो भाई ट्रेक गाइड है भाई, वो भाई साहब से भी आपको मिलाएंगे, वो काफ़ी नीचे हैं, तो वो भी हम आपको अपडेट देंगे। इजी है। लेकिन ये देखो एक बार, ये पूरा डाउन जा रहा है, पूरा एकदम नीचे जाना है, और हमारी ट्रेक यहीं से स्टार्ट हो चुकी है, ऊपर से ही जब मैं दिखाया था आपको। तो ठीक है भाई, रास्ता थोड़ा सा है। हाँ बोल सकते एडवेंचर जैसा। ये देख रहे हो भाई, ये पहाड़ देखो यार, ये देखो रास्ते देखो, ये है भाई आजा, ये है ट्रेक देख रहे हो, मैं काफी दूर हूँ, अब चल रहे हैं। काफी टाइम हो गया ट्रेक करे हुए, बट सही है। आजा भाई। और बहुत मजा आ रहा है, देख रहा भाई रास्ता ऐसा कुछ दिख रहा है। ये है थोड़ा सा थ्रिलिंग बोल सकते हैं, क्योंकि खतरनाक रूट है, ये खतरनाक रूट है भाई, ठीक है। चलो चलते हैं, नीचे करेगा बंद करेगा, उतना नीचे जाता ही जाता है।
लेकिन सही तरीके से देखो भाई, एक्सपीरियंस ज्यादा ना हो तो आराम से ही जाने का। लकड़ी तो ले लेते साथ में भाई, ये काम है। नहीं काम करेगा कहाँ पे? कैसा एक्सपीरियंस भाई? मस्त है पर हाँ मजा आ रहा है, थक चुके हैं अभी के अभी। रुको ये नीचे देख रहे हो कैसे जाना भाई, ये देखो नीचे का पूरा डाउन है। लो आ जाओ, ये है भाई कुछ पॉइंट है जो खतरनाक है वाकई में, अगर सही से नहीं जाएंगे तो लग जाएगी। आराम से जिगर, ये बैठ के आराम से जाना होगा, नहीं तो फिर पानी पानी यहाँ पर, इसलिए हम लोग सूज निकाल रही है। देखो पूरा पानी है, लोअर ऊपर कर लो, ये बात भी सही है, भीग जाएगा आगे आगे, फिर पानी में जाना ही है वैसे भी हमें। एक हाथ में सूज, एक हाथ में कैमरा। दोनों को नहीं छोड़ सकते, सूज छोड़ेंगे तो बहुत दूर तक भीगते हुए जाना होगा। भाई पत्थर स्लिपरी है भाई, स्लिप कर रहा है, पत्थर के ऊपर पैर भी नहीं रख सकते हैं। ये देखो एक बार रास्ते देखो, ऐसे पत्थरों से होके जाना है, बहुत आगे जाना है। ये मानसून के समय में भाई बहुत मुश्किल है ये चीज करना, और यहाँ देख रहे हो बैठ के भी जाना पड़ सकता है। ये पहली लोकेशन है जहाँ पर हमें, और यहाँ पर हमें पानी क्रॉस करना है वैली के अंदर, और पानी की गहराई कमर तक हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। चलो चलते हैं, प्रूफ दिखाते हो। देखो जिगर भाई अंदर जा चुके पानी में, बहुत ही क्रॉस कर चुका है। कितना पानी है भौतिक? कमर तक ही है। चलो ठीक है, कमर तक ये पानी तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी गहराई देखो भाई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अचानक भाई देख के आना पड़े। देखो अगर कभी भी आप यहाँ ट्रेक करने आते हो, देखो सूज बता रहा था मैं, खुद भिगो दिया। कभी भी ट्रेक करने आते हो साइड में चलना, और पत्थर यहाँ ज्यादा है तो आराम से जाना। ये देखो पानी की गहराई भाई, मेरे पीठ तक आ गया भाई पानी। भाई मेरा सूज भीग गया है अचानक से रख दिया। आओ क्या अनिल, अनिल कैसे जाएगा तू? आओ वहां पे चेंज हो तो चेंज आएंगे ना, कोई पर्स नहीं लाया अभी भाई, कुछ नहीं अभी तो। तू जा रहा है मैं जाऊं साथ में? चल ना जाते हैं, मजा आएगा। नहीं यार तो मैं ट्रिप मेरा खत्म हो गया, बाकी जा रहे हैं। सही है भाई, बैग लेके आता हूं। ये जिगर भाई जा रहे हैं अनिल का बैग लेने। हाँ मजा आ रहा है। अब हम लोग सोचे इतना पैसे दे के जाना, उससे अच्छा हम लोग थोड़ा पानी के अंदर ही जाए। है कि नहीं भाई? जिगर मैं भी आ रहा हूँ, चल एक जूती ले ले ना पापा। आराम से भाई आगे पहुंच गए फाइनली। लेकिन यार दिक्कत एक हुई है, मेरा सूज में भिगो दिया हूँ बाय मिस्टेक, गलती से ही अंदर से बचा है, लेकिन क्योंकि वाटर प्रूफ है ना, दैट्स व्हाई अंदर से भी सूज बचा है, भीगा नहीं है। ये एक चीज अच्छी है। ये भाई अंदर जा रहे हैं देखो। हाँ बोती क्या करने अंदर जा रहा है भाई? बैग भाई, दोस्त है यार। अच्छा बैग, अरे बैग ले लेना उसका। नहीं अनिल तू बस सूज ले ले अपना, बैग दे दे, बैग में फोन है भाई बचा के। स्विमिंग कर रहा है क्या? मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, बैग क्या दूंगा भाई। यहाँ से सीधे सीधा जाना है। बाकी में थोड़ा सा थ्रिलिंग है भाई, अच्छा है, एक अच्छा है। देखने से आपको लग रहा है कि ये टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की वजह से जो इतना बड़ा दरार आ गया भाई, इतना बड़ा दरार है,
टेक्टोनिक प्लेट खींच सकते हैं वैसे इतना बड़ा लिटरली भाई ये 10 फीट जितना होगा ये चौड़ाई इसकी। हाइट तो बहुत ज़्यादा है और लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स है ठीक है। और अभी तक हम शायद 300-400 या 500 मीटर के आसपास आगे नो आइडिया भाई, मुझे आइडिया नहीं है उतना, और ये गाइड ही बता सकता है भाई कि कितना है। हम आ चुके हैं अभी, ये है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये इसे बोला जाता है जो सांदन वैली है, ये एशिया की नंबर 2 पोजीशन की जो वैली है। आई डोंट नो क्यों, अब इसके पीछे देखो हो सकता है 2 कारण, हो सकता है कि टेक्टोनिक प्लेट खिसकने की कैटेगरी में जो है दूसरे नंबर पे आती हो एशिया में, या फिर हो सकता है कि ये शायद दूसरे नंबर की हो एशिया में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं ठीक है। बट इसको बोला जाता है एशिया का 2nd नंबर का सबसे लार्जेस्ट सांदन वैली को ठीक है। ये देखो, और एक चीज़ यहाँ मैं बताऊँगा, ऊपर के साइड में बंदर रहते हैं तो कभी भी छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरा सकते हैं, और कभी कभी छोटा छोटा पत्थर भी यहाँ से जो है ना नीचे गिरता रहता है। तो अगर आप आते हो तो सेफ तरीके से आओ। और रैपलिंग हमारी अभी बाकी है जो रस्सी के थ्रू हमें पहाड़ से नीचे जाना है, मतलब बहुत हाइट नहीं होगी, आई थिंक 25-30 फीट जितना। रैपलिंग करेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा, चलते हैं अभी फिलहाल तो देखते हैं भाई। और भाई पानी में पूरा भीग गए थे, भीगे भीगे कपड़े पहने हैं लिटरली यार पूरा देख लो यहाँ से वहाँ तक पूरा वैली दिख रही है देखो। और लिटरली भाई आगे का जो व्यू है ना वो देख के आप बोलोगे कि भाई कहाँ पे आ गए। देखो बहुत बड़ा बड़ा रॉक है, पत्थर छोटा नहीं बड़ा है। और यहाँ से मेरी रैपलिंग भी करना है, चलो पहले पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे जो हमारी जगह है। आगे भाई ये अपना देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यू पॉइंट है, यहाँ से हमें नीचे अभी जाना है, उसके बाद हमें देखते हैं रैपलिंग करना पड़ेगा शायद। सभी लोग अभी को साथ में आए, ये भाई बहुत आगे जा रहा था बहुत आगे। और ये देखो अभी हमें जितना उतरना था यहाँ तक आ चुके हैं, अब इसके नीचे हमें और डाउन जाना है जहाँ पर हमें रैपलिंग वगैरह करना होगा। और अभी इतने लोग हम लोग यहाँ पर हैं ठीक है। ये देखो और आगे का व्यू अगर देखोगे तो ये देखो कुछ एकदम डाउन जाने का है भाई, पूरा डाउन जाना है सही है, लेकिन इतना ट्रेक करके आए नीचे, अभी और नीचे जाएंगे। ये सांदन वैली है अच्छी भाई, अगर ऊपर आप देखोगे तो ये देखो ऊपर जो है ना, ऊपर देखोगे तो ऊपर जो है व्यू पॉइंट बना है, तो वहां से अगर आपको व्यू नजारे लेना है तो उसका रूट दूसरा है ना, वो किधर जाते हैं रिवर्स वाटरफॉल के, अच्छा वो रिवर्स जो वाटरफॉल था वहां से वो जाते हैं उसके लिए। तो रिवर्स वाटरफॉल जो हमने एंट्री पॉइंट था वहां से हमें ऊपर जाना पड़ेगा वो पूरा व्यू देखने के लिए यहाँ का भाई। ऐसे पॉइंट पे भाई लिटरली यार इतने बड़े बड़े पत्थर को हमने क्रॉस करके इतना नीचे आया कि फट गई थी सच्ची में, सबकी लगी थी भाई। ये देखो ये पॉइंट से हम ऊपर से आए, ये आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ऊपर भाई इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। देखो ये जो पत्थर है ना ऐसे ऐसे पत्थर हैं भाई, और उतरना इतना रिस्की था कि बता नहीं सकते। और भाई बहुत ही कैसा लगा, कुछ नहीं हालत टाइट हो चुकी है, हाँ नीचे देखता हूँ तो भाई से कहा अनिल कैसा एक्सपीरियंस भाई, कैसा है भाई एकदम अच्छा वाला एक्सपीरियंस। चलो जिगर भाई कैसा रहा, बढ़िया भाई सच बता रहे हैं यार, ये बहुत बड़े बड़े रॉक को जो है ना क्रॉस करना, और मैं भाई सजेस्ट नहीं करूंगा अगर जिसने भी ट्रेक करा हो 2-3 बार वही यहाँ पर आया और पहली बार के लिए आ रहे हो तो भाई मत आओ। क्या आपको लग रहा होगा इजी है, बट इजी नहीं है, देख रहे हो कैसे होके जाना है गुजर, कैसे एकदम डाउन ही जा रहा है पूरा ठीक है, इजी नहीं है उतना, बट ट्रेक करा है हमने बहुत सारा ट्रेक करा है तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैटर करता है ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, आ चुके हैं जहाँ से हमें रैपलिंग एक्चुअली करना था, और इसकी गहराई है बहुत ऊपर से हम लोग आ रहे हैं। ईश्वर भाई कितना नीचे अभी हम लोग आए हैं, अभी 2000 फीट आए हैं, 2000 फीट ना, 2000 फीट हम लोग नीचे भाई करके आए, और वो भी इतने बड़े बड़े रॉक के बीच से नीचे आए। और अभी इसकी गहराई जो हम रैपलिंग करके नीचे जाने वाले कितनी होगी, 100 फीट ना, 100 फीट पहली बार, ये पहला एक्सपीरियंस हमारा होगा 100 फीट जितना नीचे जाना है लिटरली भाई, ये हमें पहली बार जाना है रैपलिंग करके रस्सी के सारे पहाड़ के नीचे उतरना है और अकेले सोलो,
यहाँ से ये पकड़े रहेंगे बस जो गाइड है घुटने को मोड़ना रस्सी का इधर ये ऊपर करके रखे देखो ये देखो ये देखो रस्सी को वहाँ फोल्ड कर दें यहाँ पर ये बना है इस तरीके से कुछ ये देखो थोड़ा ये देखो वो भी इतना चलेगा ये इतना है कुछ और ये रस्सी है ये सपोर्टिंग के लिए ये हेलमेट रहेगा ये देखो भाई लोग बैठे कुछ ये सीन है भाई ठीक है चलते हैं नीचे रैपलिंग करके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं भाई भौतिक का तीसरी बार है हाँ वही जाएगा पहले वही जाएगा रैप कैसा लगता है देखो रैपलिंग के लिए हम लोग आए हैं इसमें से हम लोग तीन फ्रेशर हैं इनको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और ये भौतिक हमारे ग्रुप का वो भाई कितनी बार है तेरा पांचवी बार है ना यहाँ पे तुम नीचे उतरोगे ना तब तक भाई ऐसा लगेगा कि भाई कोई मुझे बचा ले जैसे तुमने एक बार पार कर लिया तब लगेगा क्या ही था यार मतलब ये मतलब उतना डर नहीं है ना डर नहीं है पर जब वहाँ पहली बार जब तुमने करोगे ना ये एक ढाल है यहाँ पे हाँ दिख रहा है ढाल है दिख रहा है ढाल से अगर तुम ऐसे जाओगे ना 100 फीट गहराई ऊपर से लगेगी भाई 100 फीट है लॉजिकल माइंड तुरंत सोचेगा 100 फीट से गिरे तो क्या क्या होगा ओवर थिंकिंग होगी भाई लिटरली भाई गहराई ज्यादा और ये मेरा पहली बार है जिगर भाई का पहली बार है फर्स्ट टाइम और अनिल का पहली बार है क्योंकि अनिल भी अभी तक नहीं करा है और मेरा खुद का पहली बार भाई देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इतना चढ़ाई करके आने के बाद थोड़ा सा बैठ के वेट कर रहे हैं एक बार कर लिया ना तो फिर आगे की तीनों पे भाई मजा आएगा सबसे पहले यही जाएगा भाई नीचे आगे एक और रैपलिंग है छोटी है ना ये सबसे बड़ी है ना सबसे बड़ी है उसके बाद छोटी होगी बड़ी छोटी 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 तीन है क्या और तीन है अभी दूसरा बंद हो गया बंद हो गया एक ही रह गया अब एक ही रह गया अरे यार मतलब एक ही है ये एक ही है ये उसके बाद कैसे उतरने का है क्या बड़े बाद में भी छोटा ये बस दो ही है बाकी बंद हो गए अच्छा तो हमें वही रूट से जाना है दूसरे रूट से जाना है उसी रूट से पहले थी अभी तो भाई चेंज देखते भाई क्या होता है चलते हैं नीचे पहले धक 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 डर लग रहा है देखो पहन लिया हमने ये देखो ये अब वो लग रहा है देखो ये ऐसा घुमाने का और नीचे दबाने का ओके ये सेम खोलने के लिए ना हाँ तो खोल के मुझे वापस वो करना है हाँ ये वाला ग्लोव दो और ये दो और हेलमेट आ तो नहीं पाएगा पर फिर भी ट्राई करते हैं तो आपको क्या करना है कितना डिस्टेंस बना के रखना है पैरों यहाँ से जाना है बीच में सीधा ऐसा ही पीछे जाना है सिर्फ स्टेप लेना है फुल टच करके झुकना किधर है हमें झुकने का नहीं सिर्फ चलते टाइम वो स्ट्रेट रहेगा ना तो अच्छा रहेगा ऐसे अच्छा स्ट्रेट इसको हमेशा रखना है क्या हमेशा नहीं रखना चलते टाइम को दो हाँ समझ गया समझ गया स्ट्रेट रखेगा ना चलो भाई हालत खराब होने वाली है चेहरे पे डर दिख रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है इसका देख के पांच बार करा है इसने फिर भी इसको डर लग रहा है हमने तो भाई एक बार भी नहीं करा है स्लाइड करते ये देखो इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ कितने पूछ रहे हैं हमें सच में डर लग रहा है ये कोई मजाक नहीं है देख ली भाई हमारा फर्स्ट टाइम है भाई फर्स्ट टाइम है ऊपर से 100 फीट नीचे ही जाना है और वो भाई पांचवी बार है उसका उसको भी डर लग रहा था सोचो हमारी क्या हालत हुई है हमें डर लग रहा है भाई तुम अपनी बात कर रहे हो और यार देखो ये रस्सी के थ्रू भाई पकड़ के गया है ये वाली और ये भाई रस्सी को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं इनकेस ऑफ इमरजेंसी के लिए अगर इस रस्सी के साथ कुछ हुआ तो वो रस्सी के थ्रू पकड़ के आपको सेफ्टी मतलब दो सेफ्टी का यहाँ पर है प्रिकॉशन अगर एक के साथ कुछ रस्सी के साथ होता है तो सेकेंड रस्सी भी है आपकी सेफ्टी के लिए तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर मान लो यहाँ से भी छूट जाता तो थर्ड भी यहाँ पर है तीसरी वाली से भी आप बच सकते हो ठीक है तो एकदम सेफ्टी है पूरा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आराम से हम नीचे जा सकते हैं रस्सी पकड़ेंगे भाई ये ग्लव्स के लिए है मैं अपना ग्लव्स लाया हूँ लेकिन ये वाला ग्लव्स अलग है ये वाला चाहिए राइट हैंड में हाँ लेफ्ट वाले का कुछ इशू नहीं रहता वो सपोर्ट के लिए हाँ वो तो सपोर्ट के लिए चलो ये देखो आ गई अब थोड़ा सेफ्टी बेल्ट सेफ्टी जरूरी है भाई सेफ्टी के लिए बहुत ही साला ये तो अगर इसमें इनके बैग में डाल देना ना गोप्रो अगर दिक्कत होगी तो है ना दिक्कत तो होगी ना अभी तो बैटरी नहीं है तो टोपी हेलमेट अब नीचे जा रहे हैं चलो राइट
इसको तो मुझे ध्यान नहीं देना ना ये रस्सी का। आपको क्या करना, अभी नीचे गए ना ऐसा नीचे दबा, वो तो मैं समझ गया हूँ, वो निकल देने का और ये डायरेक्ट कुछ भी खोलने का ना, डायरेक्ट एक कमर में। तो राइट ही हूँ तो ये राइट हाथ पीछे रहेगा मेरा। हाँ, कमर के पीछे और थोड़ा उधर और ये इधर पकड़ने का, ठंड इसके नीचे। अच्छा इधर से बस जाऊँ? हाँ चलो पीछे, पैरों में डिस्टेंस बढ़ाओ थोड़ा और कमर का वेट इस पे डालना है। ये छूट नहीं रहा है, कमर से खींचो ना पीछे, डालो इस पे। अच्छा कमर से खींचने का। हाँ, जब खींचोगे तो हाथ में से स्लाइड हो जाएगा। हाँ। तो स्लाइड करना है और रुकना है तो इसको पकड़ के कस के पकड़। हाँ, पकड़ना है, रुकना है तो निश्चित करो और पैरों में डिस्टेंस और फुल टच होना चाहिए रॉक को। ठीक, बैलेंस बना के चलते रहना पीछे से। आप चलते रहोगे वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। भाई बहुत डर लग रहा है लिटरली। चलते रहो आप, स्टेप ले लो, स्टेप जरूर है, कंटिन्यू स्टेप लेते रहना आप। स्टेप लिया तो ये वो भैया सलाम, इतना हाई नहीं लग रहा है लेकिन सही है। हाँ। पहली बार है तो इसलिए थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन आप लोग बहुत जल्दी आ गए। हम लोग बहुत, हम लोग को काफी लेट कर दिया हम लोग रास्ते में। बंद कर दो, तुम चालू कर लेना बाद में। लंगूर आ रहा है, इसकी भी फटी पड़ी है भाई, पहली बार ही जा रहा है। भाई यार पहाड़ की यार हाइट तो अच्छी खासी है, देखो यार यहां तक जाना है, यहां तक आना है, ये पूरा यहां से ये बीच में जो ये पूरा ये जो एरिया दिख रहा है ना वहां पे भी पूरा थोड़ा भाई लंबा है। वो ऐसे दिख नहीं रहा है यहां से क्योंकि मैं नीचे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट है वो लंबा। आजा आजा, हाँ करो चालू है भाई। भाई अरे यार मैं नीचे हूं, तू आजा भाई, मैं यहां पे देख रहा हूं यार। हाँ पैर रख वहां पे। फील नहीं हुआ ऐसे 100 फीट है। हाँ। वही तो, पर डर बहुत लगा। बस बस यहाँ पे एक पत्थर आएंगे ना, आजा आजा, बस वहां पे खड़े रह जा, बस बैठ जा दो मिनट जो भी करना है। ये रहा अपना रैपलिंग का भाई, देखो आ चुके हैं और अच्छा लगा, बहुत ही देख रहे हैं, देख ना ये देखो भाई आगे रैपलिंग करके 80 से 100 फीट ऊपर, हाइट एक बार देख लो ऊपर, और यहाँ पर मैं हूँ और इसे अभी ओपन करते हैं और ऊपर भेजते हैं। ठीक है, कैसा लगा बताओ? अभी नीचे चलते, नीचे भी छोटा सा रैपलिंग है, उसे भी हमें करना है। ठीक है चल, आने दो ऊपर। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर भी पहले रैपलिंग होती थी, लेकिन अभी भाई इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर गिरा है, देखो ये इतना बड़ा पत्थर गिरने की वजह से फिर वहां से हमें डाउन होके नीचे वैसे अंदर 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 होके आना है भाई, बहुत ज्यादा ये मतलब बहुत खतरनाक था ये वाला पॉइंट। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या सीन रहता है। और यहाँ पर हमारी वैली ये खत्म होती है क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ी दूर और रहेगी, थोड़ी दूर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा जो आप देखते आ रहे थे आगे से ही। ठीक है चलो, अभी तो भाई खाना भी खाना है क्योंकि हम लोग लेके रखे हैं, बट पानी खत्म हो गया है। लेट्स सी क्या होता है, आगे चलते हैं, नदी कोई तालाब है, तालाब के पास जाएंगे उसके बाद देखते हैं। फाइनली भाई हम लोग वो ट्रैक ऊपर से जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, लिटरली भाई देखो कहाँ से आ रहे हैं यार, ये जो पॉइंट है ना ऊपर से, और यहाँ से हम लोग नीचे आ रहे हैं नीचे, और कितने बड़े पत्थरों से होके आए, पानी से गुजर के आए, इतने जो खतरनाक रास्ते थे, रैपलिंग करके आए, और एक रैपलिंग में तो बिना सेफ्टी के आए, एक ही भाई बस ऊपर से पकड़े थे हम, उसके थ्रू आए, और अभी आके हम थोड़ा सा नीचे बैठे हैं। अभी इसके आगे भी हमें जाना है, ये देखो आगे जाना है, और ये भाई इधर गुल्लर तोड़ रहा है, गाँव में हम इसको बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर इंग्लिश में क्या है, कौन सा पेड़ है नो आइडिया। और ये भाई जिगर भाई इधर बैठा, कैसा लग? बस मजा, बढ़िया रहा ट्रिप? बस बढ़िया। और भाई बस सोने को मिल जाए और पानी मिल जाए। अच्छा ये बात है भाई, अभी थोड़ा रेस्ट करने को चाहिए, रेस्ट करने के लिए थोड़ा स्विमिंग करने को मिल जाए तो मजा आ जाए नहाने को, पानी खुद तुम्हें ऐसा लग आराम दे जाए। हाँ स्विमिंग करोगे तो भाई एक्सरसाइज हो जाएगी, थकान भी मिट जाएगी। तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया भाई, सुबह को बस नाश्ता करके निकले थे और 12 बजने वाले हैं ना भाई, 12 बज गए होंगे। और ये भाई देखो तोड़ के लाया, एक बज गए साले। ये देखो ये गुल्लर है, खाना है गांव पे ऑलरेडी हमने कई सारे इसको खा के रखा है, पानी चाहिए मीठा है,
ये गांव पे हमने खाया है कई सारे, ये देखो इसको हम गांव पे गुल्लर बोलते हैं, लेकिन ये खराब है, ये खराब है भाई, खराब नहीं होगा, चेक करो। चलो भाई इसके ऊपर मिलते हैं आपसे, खाना वाना खाएंगे तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। हमारी जो ट्रेकिंग है सांदन वैली का, ये खत्म हो चुका है पूरा ट्रेक, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं और इसके आगे थोड़ा बहुत है, ठीक है, यहाँ से ज्यादा उतना खतरनाक नहीं है जितना कि ये वाली वैली थी, ऊपर से हम लोग ऊपर से उतर के आए, जितना डेंजर था ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो ये ट्रेक हमारे यहाँ पर फिनिश होता है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।